Very good morning all of you. Welcome you all student in our Ascent online class. और आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके. तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो. बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर सेकेंड रीड कर लिया था और होमवर्क भी कर लिया था. आज अपन चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे, द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं. चैप्टर का क्या नाम है? द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 7 पे है. देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक लिस्ट भी मिली हुई है. यहाँ पे कैन यू पुट देम इन द करेक्ट ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये नीचे जो आपके पिज्जा, वेजिटेबल्स, फिश, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, मिल्क, फ्रेंच फ्राइज और चॉकलेट, एग्स, तो ये इतने है ना आपको और यहाँ पे आइटम्स, डिशेज, फूड, ड्रिंक्स वगैरह दी हुई हैं. तो इनमें से आपको क्या करना है, ये दो ऊपर दिए हुए हैं ऑप्शन, हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी या जंक फूड, है ना. हेल्दी फूड यानी स्वस्थ भोजन जो हमारे शरीर को पोषण देता है, और जंक फूड यानी जो कम पोषण वाला होता है उसको जंक फूड बोलते हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए. ठीक है एक दो महीने में एक दो बार ले लिया तो वो सही, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतने सारे फोटोज दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करके हेल्दी फूड जो होता है जो हेल्दी फूड वाली लिस्ट में डालना है, और जो जंक फूड है वो जंक फूड वाली लिस्ट में लिखना है. ठीक है तो आपके दो ऊपर दी हुई है ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इन ब्लैंक्स में लिखना है आपको. फर्स्ट हेल्दी फूड, तो देखिए सबसे पहले पिज्जा है, तो पिज्जा कौन से पिज्जा है जो, क्या लगता है आपको पिज्जा हेल्दी फूड होता है या जंक फूड होता है? पिज्जा जंक फूड होता है, तो पिज्जा कौन सी लिस्ट में जाएगा, जंक फूड वाली लिस्ट में. तो यहाँ पे देखो पिज्जा लिखा हुआ है, PIZZA, तो जंक फूड हो गया. नंबर सेकंड पे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स कौन सी लिस्ट में जाएंगे, वेजिटेबल्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, है ना. देखो इस वेजिटेबल्स में कौन कौन सी वेजिटेबल्स है, टोमेटो है ना, और कॉलीफ्लावर है, कैरेट है ना, काफी सारी सब्जियां इसमें दी हुई हैं. तो ये सब्जियां वेजिटेबल्स कौन सी लिस्ट में जाएगा, हेल्दी फूड में. तो सबसे पहले वेजिटेबल लिखा हुआ देखो, VEGETABLE, तो हेल्दी फूड में वेजिटेबल आ गया. अब थर्ड फोटो किसकी है देखो, क्योंकि फर्स्ट पिज्जा जंक फूड में चला गया, वेजिटेबल्स हेल्दी फूड में चला गया, अब थर्ड है किसका नंबर देखो, फिश. तो फिश कौन सी लिस्ट में आएगा, हालांकि मीट वगैरह मतलब यहाँ पे बहुत ही कम है, खाते नहीं है, लेकिन फिर भी फिश को हेल्दी फूड माना गया है, तो फिश जाएगा हेल्दी फूड में यहाँ पे, FISH, है ना. तो हेल्दी फूड में फिश जाएगा. नंबर फोर में किसका फोटो है देखो, बर्गर. तो बर्गर कौन सी लिस्ट में आएगा, बर्गर जाएगा जंक फूड में. तो नंबर देखो पिज्जा के बाद में बर्गर, BURGER. ठीक है बच्चों, अब अगला नंबर है बर्गर के बाद में कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स कौन सी लिस्ट में आएगी, कोल्ड ड्रिंक्स सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो हमको ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, है ना. तो ये भी कौन से जंक फूड में जाएगी, तो यहाँ पे बर्गर के नीचे देखो CULDDRINKS, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे जंक फूड में जाएगी. अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर फ्रूट्स. फ्रूट्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, फ्रूट्स तो खाने चाहिए, है ना, बनाना, एप्पल, पाइन एप्पल, पपया, मैंगो, ग्रेप्स, लीची, है ना, स्ट्रॉबेरी,
तो ये सारे फ्रूट्स ऑरेंज, तो ये सारे फ्रूट्स कौन सी लिस्ट में आएंगे? ये आएंगे आपके हेल्दी फूड में। तो देखो यहाँ पे हेल्दी फूड में फ्रूट्स लिखा हुआ है FRUITS, फिश के जस्ट नीचे फ्रूट्स, है ना। अगला फोटो किसका है देखो, अगला है मिल्क, मिल्क दूध, दूध तो सबसे अच्छा होता है शरीर में, दूध पीना चाहिए हमेशा, एक गिलास सुबह एक गिलास रात को सोने से पहले, बहुत अच्छी बात होती है, माइंड तेज होता है बच्चों का, है ना। बड़ों को भी पीना चाहिए लेकिन बच्चों को तो और ज्यादा अच्छा रहता है, तो क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है आप लोगों को, होशियार बनना है, बड़े होके कुछ बड़ा काम करना है, तो इसके लिए दूध पीना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कुछ बच्चे दूध पीने में बहुत ज्यादा नाटक करते हैं, लेकिन दूध पीना चाहिए। तो दूध कौन सी मिल्क है जो कौन सी लिस्ट में आएगा, हेल्दी फूड में। तो फ्रूट्स के नीचे मिल्क, MILK, ठीक है। मिल्क के बाद में किसका नंबर है देखो, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज है जो कौन सी लिस्ट में आएगा बताओ, ये आएगा जंक फूड में। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंच फ्राइज, FRENCH FRIES, है ना। फ्रेंच फ्राइज भी रोज रोज नहीं खानी चाहिए, इससे भी है ना अपन को मतलब अनहेल्दी फूड होता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब अगला नंबर है चॉकलेट, चॉकलेट तो चॉकलेट भी ज्यादा खाने से दांत सड़ जाते हैं, दांतों में कीटाणु पड़ जाते हैं, पेट खराब होता है, बहुत ज्यादा चॉकलेट बच्चे जो खाते हैं उनके दांत टूट जाते हैं, काले काले कीड़े पड़ जाते हैं दांतों के अंदर, और कुछ बच्चों के दांत निकलवाने भी पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से दांतों में सड़न हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो दांतों को निकलवाना भी पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। तो चॉकलेट कौन सी लिस्ट में आता है, जंक फूड। तो फ्रेंच फ्राइज के बाद चॉकलेट, है ना। फिर अगला लास्ट, लास्ट क्या है, एग्स, EGGS, एग्स, एग्स मीन्स अंडे, अंडों में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन जो बच्चे शाकाहारी होते हैं वेजिटेरियन होते हैं वो खाते नहीं है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो एग्स मीट वगैरह सब खाते हैं। तो एग्स भी कौन सी लिस्ट में आता है, हेल्दी फूड में। तो यहाँ पे मिल्क के नीचे एग्स लिखना है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्या टॉपिक है, किसके बारे में है। इसमें ये बताया हुआ है कि आपको दो लिस्ट दी हुई है जिसमें हेल्दी फूड में और जंक फूड में, आपको इन सब में से चूज करके अलग अलग छांट करके लिखने हैं। तो बच्चों ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको नोटबुक में कैसे करना है, चैप्टर का नाम लिखना है, Chapter 3 द फूड वी ईट, और फिर आपको ये हेल्दी फूड और जंक फूड की बस ये लिस्ट बनानी है। नीचे वाले फोटो वगैरह आपको कुछ भी नहीं लिखना है ना, आपको बस ये लिस्ट बनानी है जिसमें आपको लिखना है हेल्दी फूड, और स्केल से लाइन खींच के और दूसरी साइड लिखना है जंक फूड, ठीक है। फिर हेल्दी फूड में क्या क्या आएगा, वेजिटेबल, फिश, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, और जंक फूड में क्या क्या आएगा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट्स। तो ये किस में आएगा, ये आएगा आपके जंक फूड में, है ना। तो आपको अपनी नोटबुक में इस टाइप से ये वाला होमवर्क करना है। आज का आपका यही होमवर्क है, आपको ये लिस्ट अपनी नोटबुक में बनानी है और बहुत अच्छे से ये वाला बहुत अच्छे ढंग से काम करना है, ठीक है। इसमें नॉलेज फैक्ट्स लिखा हुआ है, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, दूध है जो एक संपूर्ण भोजन है या संपूर्ण आहार है, मतलब दूध पी लिया तो मतलब सब कुछ हो गया। अगर जैसे थोड़ी कम भूख है, दूध एक गिलास पी लिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सेकंड में, वी शुड ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, हमको बहुत ज्यादा मात्रा में ढेर सारी हमको हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए, क्योंकि हमको बहुत ही ज्यादा हेल्दी स्ट्रांग बनना है, बहुत ज्यादा माइंड तेज करना है, तो सबसे ज्यादा क्या खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। एंड नंबर 3, ड्रिंकिंग 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे मेक और बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग। तीसरा नंबर क्या है, कि हमें रोज डेली हमको 2 glasses दूध
पीने चाहिए। दूध पीने से क्या होगा, दूध पीने से हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं और जो दांत हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो आई बात आपको समझ में, आपको दूध तो पीना ही पीना है, 2 गिलास हमेशा दूध पीना है, जिससे आपके क्या होगा, एक तो आपका माइंड तेज होगा, एक आपकी हड्डियां मजबूत होगी, एक आपके दांत हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप बहुत ज्यादा होशियार हो जाओगे, फिर हर बार आप फर्स्ट आओगे, बड़े होके बहुत ही अच्छा काम करोगे। इसलिए आपको दूध पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नॉलेज फैक्ट्स है, तो इसको आप कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में सिर्फ आपको हेल्दी फूड और जंक फूड की लिस्ट बना के तैयार करनी है। ठीक है बच्चों, आज का आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।